मंडलों के व महाराजगंज के कोरोना के नोडल अधिकारी जयंत नालिकर ने सोमवार को महाराजगंज स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महाराजगंज डॉक्टर उज्ज्वल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं सभी MOIC के साथ COVID-19 एवं JES के संबंध में बैठक किया। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमितों की पहचान हेतु स्मार्ट सैंपलिंग किया जाए और संक्रमितों की पहचान करते हुए उनको चिकित्सकीय सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि रैपिड रिस्पांस टीम अनिवार्य रूप से होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की जाँच करने हेतु उनके घरों पर जाए और अपनी रिपोर्ट दे कि मरीज होम आइसोलेशन में रहने योग्य है या नहीं। अगर मरीज होम आइसोलेशन में रहने के योग नहीं है तो मरीज को उनकी स्थिति के अनुसार तत्काल L1, L2 या L3 के चिकित्सालय में भर्ती कराकर उसका इलाज सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि पोर्टल पर डाटा एंट्री को सही से और समय से किया जाए और संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान करते हुए उनकी भी समय से जाँच किया जाए। बैठक के दौरान मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा कि सभी MOIC अपने अपने कार्यों को स्वयं आकलन करके देखें और अपनी कमियों को दूर करते हुए कोरोना की इस लड़ाई में और मेहनत करें। हम सब मिलकर कोरोना के इस चयन को रोकना है। इसके बाद मंडलायुक्त ने विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता करते हुए अपील किया कि सभी पदाधिकारी भी आम जन को मास्क लगाने और 2 गज की दूरी के पालन कराने में सहयोग करें। यदि कोई बिना मास्क लगाए उनके प्रतिष्ठानों पर जाता है तो उसके मास्क लगाने के लिए जागरूक करें। यदि ना माने तो उसे पेट्रोल सामान आदि ना दें। उन्होंने महाराजगंज चौक पर लोगों को मास्क के प्रयोग के लिए जागरूक किया।